हाय गाइस, वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। मेरा नाम है यश दुबे और आप एथलेटिक इंडिया में आ चुके हैं, तो आप ऑब्वियसली फिटनेस के लिए आए हैं। तो आज एक बहुत ही अजीब तरीके का वर्कआउट है। मैं ऐसी गूगल सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे एक सुपर सैयन वर्कआउट मिला। सुपर सैयन जिनको नहीं पता हो, ड्रैगन बॉल जी में होता है, जो हम बचपन में बहुत देखते थे, ड्रैगन बॉल जी, गोकू, वेजिटा जिसमें होते थे। उसमें एक मुझे सुपर सैयन वर्कआउट मिला। उसमें लिखा था कि अगर आप ये करोगे तो आप गोकू जैसे बन जाओगे, और बीइंग अ 90s किड, अगर मुझे कोई भी कुछ भी कहेगा कि अगर मैं गोकू जैसा बन सकता हूँ तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा। तो आज कोई वर्कआउट हम ट्राई करेंगे। अभी वर्कआउट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देखो क्या क्या है उस वर्कआउट में। मैं भी बता देता हूँ क्या क्या है उस वर्कआउट में। उस वर्कआउट में है सबसे पहले वाइड ग्रिप पुशअप्स, जो कि केवल 4 हैं। उसके बाद है नॉर्मल पुशअप्स, जो कि 6 हैं। उसके बाद सिंगल लेग रेज्ड पुशअप्स, एक पैर उठा के, वो हैं 4। उसके बाद है हमारे पंचेस हैं हमारे पास 60। मेरे ख्याल से ये चैलेंजिंग पार्ट होगा वर्कआउट का। उसके बाद है हमारी साइड किक्स हैं हमारे पास 40। ये भी काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है। उसके बाद पूरा थकाने के लिए आपके लिए है हाई नी रेजेस, वो है हमारे 30। उसके बाद यही नहीं, यहाँ पे वर्कआउट एक सेट ख़त्म नहीं होता। इसके बाद है हमारी एब एक्सरसाइज। सबसे पहले है क्रंचेस, सिटअप्स जो है वो है 10 रेप्स के लिए। उसके बाद हाई नी रेजेस, लेग रेजेस हैं हमारे 10 रेप्स के लिए। उसके बाद लास्ट में है अपने ओब्लिक्स के लिए जो है साइड प्रेस्ट हैं 20 रेप्स के लिए। तो ये वर्कआउट हम ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं गोकू जैसा बनने की। तो शुरू करते हैं वर्कआउट। इसमें की 4 तक करने थे, 1, 2, 3, 4। उसके बाद नॉर्मल पुशअप 6 थे। उसके बाद सिंगल लेग रेज पुशअप थे, एक पैर ऊपर उठा लिया। अगले सेट में दूसरा पैर ऊपर उठा लेंगे। इसके बाद है पंचेस, पंचेस शुरू करते हैं। 60 पंचेस, ये थोड़ा टफ पार्ट है। 10 एक तरफ, 10 दूसरी तरफ। फिर 10 एक तरफ। अब हाई नी रेज है 30, वो शुरू करते हैं। बिना रेस्ट लिए 10 घंटे अब इसके बाद लेग रेजेस 10। फोकस एब्स पर रखिए।
उसके बाद साइड फिश अपने ऑब्लिक्स के लिए, वर्कआउट खत्म हो गया गाइस। बहुत ही अच्छा वर्कआउट था ये, तो अभी एक सेट था, मेरे को ज़्यादा थकान भी नहीं हुई। मेरे को लगा था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एक ही सेट, पर उतना ज़्यादा नहीं था। आप भी ज़रूर ट्राई करो, आप भी कोई लेवल पे होगे इसके। अगर इन्होंने वर्कआउट में कहा कि अगर बिगिनर हो तो 3 सेट्स, अगर एडवांस हो तो 5 सेट और उसके बाद 7 सेट। तो आप जितना सेट लगा सको लगाओ। होम वर्कआउट बहुत ही अच्छा, पुशअप से हमारी अपर बॉडी ट्रेन हो गई, उसके बाद किक्स और हाई नी रेजेस से लोअर बॉडी ट्रेन हो गई, उसके बाद हमने अपना कोर भी ट्रेन कर लिया एब एक्सरसाइज से। तो बहुत अच्छा एक वर्कआउट है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करना। पूरी वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।